साथियों, 2 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं इसकी झलक हम 2 दिन पहले नंदीग्राम में देख चुके हैं। मुझे पक्का पता है हर चरण के चुनाव के साथ दीदी की ये बौखलाहट बढ़ती जाएगी। मुझ पर गालियों की बौछार भी बढ़ती जाएगी और अब तो इलेक्शन कमीशन कहो, सुरक्षा प्रबंध वाले लोग हो, हर किसी पर। हम सब जानते हैं क्रिकेट के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझो उसके खेल में खोट है। चुनाव के मैदान में कोई कभी ईवीएम को गाली दे, कभी चुनाव आयोग को गाली दे तो समझो उसका खेला शेष है, उसका खेला शेष है। दीदी, ओ दीदी, दीदी, हार आपके सामने है, अब इसे स्वीकार करिए। हुगली के लोगों की ये आवाज सुनिए। दीदी, निर्वाचन खेला नय, गणतंत्र खेला नय, गणतंत्र हलो मानुषेर सेवार पथ, गणतंत्र हलो मानुषेर उन्नतिर पथ। आप ये सब भूल गई दीदी, भूल गई। इसलिए बंगाल के लोगों के साथ आपने विश्वासघात किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका उत्साह, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन जगह नहीं है। आप जहां हैं वहीं रहिए, आगे आने की कोशिश मत कीजिए, जगह छोटी पड़ गई। आपका प्यार उससे भी अनेक गुना ज्यादा है। आप जहां हैं वहीं से सुनिए और मुझे विश्वास है मेरी आवाज तो जरूर पहुंचती होगी। आप मुझे देख नहीं पाते होंगे, बहुत बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं। भाइयों बहनों, हद तो इस बात की है, अब दीदी आप बंगाल की जनता के अपमान पर उतर आई है। साथियों, दीदी ने कहा है कि बीजेपी की रैली में जो भीड़ जुटती है वो पैसे के लिए जुटती है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी सच हो आप जवाब देना। मैं आपसे जानना चाहता हूं भाइयों बहनों, क्या आप इतनी गर्मी में इतने घंटों से इतनी परेशानी उठाकर यहां आए हैं, क्या पैसे के लिए आए हैं? क्या पैसे के लिए आए हैं? क्या क्या कोई बंगाल का नागरिक बिक सकता है? क्या
कोई उसको खरीद सकता है क्या? अरे ये तो स्वाभिमानी लोग हैं, पूरी अंग्रेज सल्तनत कुछ नहीं कर पाई बंगाल के लोगों को। ये बंगाल के लोगों का स्वाभिमान है दीदी। बंगाल के लोग पैसे लेकर के रैली में जाते हैं ये कहकर आपने बीजेपी को नहीं, मोदी को नहीं, आपने बंगाल की जनता का अपमान किया है और इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। अपनी बौखलाहट में आप मेरा अपमान करिए, लेकिन बंगाल की जनता, यहां की महिलाएं, यहां के गरीब, बंगाल के हमारे भाइयों बहनों का अपमान मत करिए दीदी, अपमान मत करिए। यही वो लोग हैं जिन्होंने 10 साल पहले आपको सर आंखों पे बिठाया था, आज आप उनको गाली दे रही हो।